देखिए 25 अप्रैल की तारीख है, केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं, मगर खराब मौसम की वजह से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। केदारनाथ धाम में हफ्ते भर से मौसम खराब है, बार बार बर्फबारी हो रही है जिससे निर्माण काम प्रभावित हो रहे हैं। और इस बार सर्दी के मौसम में इतनी बर्फबारी नहीं हुई जितने मार्च के महीने के बाद से शुरू हो गई है। जाहिर है इस समय बर्फबारी होने से यात्रा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। रोहित मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। रोहित, आप ही जानकारी दे रहे थे, मौसम लगातार बदल रहा है, बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, और ऐसे में देखिए 25 अप्रैल की तारीख है, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में जो काम यहाँ पर चल रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर, वो जाहिर सी बात है प्रभावित हो रहे होंगे। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों की बात है कि 15 जनवरी को जो बर्फबारी के चलते निर्माण कार्य जो है बंद कर दिए थे। इसके बाद पिछले सप्ताह ही प्रशासन की टीम ने जो मौसम था तक खराब था कैनाथ नाम में, तो मजदूरों की टीम को वहां भेजा, 200 करीब मजदूर भेजे गए, पर लेकिन इसी सप्ताह से लगातार फिर से बर्फबारी होने लगी है और बारिश होने लगी है। तो ऐसे की मैं निर्माण कार्य द्वितीय चरण के जो पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत काम किए जा रहे हैं द्वितीय चरण के, वह काम भी प्रभावित हो चुके हैं। इनमें से बहुत से कार्य हैं जिनको इसी दिन से 2 माह के भीतर पूरा होना, जिसके बाद जो तीर्थयात्री यहाँ पहुंचेंगे उनके सुविधाएं दी जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रैन शेल्टर की होती है, जब लगातार कैनाथ धाम में मई और जून के माह में बरसात होती है तो उस समय रैन शेल्टर की व्यवस्था न होने के चलते लोगों को दिक्कतें होती है। इस समय प्रशासन की और मंशा थी कि यहाँ पर पक्के रैन शेल्टर बनाए जाएं, इसके अलावा पक्की जो व्यवस्थाएं हैं, जो भवन है, जो निर्माण तीर्थों के वह बन जाए जिससे तीर्थयात्री यहाँ पहुंचे उनको सुविधाएं मिल पाए। इसके अलावा अस्पताल का निर्माण यहाँ पे होना है, प्रशासनिक भवन बनना है यहाँ पे, आज तक रावल का भवन भी नहीं बनता है, रावल जी का तो वह भी बनना है। तो ऐसे कई पूरे निर्माण कार्य है जो पूरे किए जाने हैं समय पर, लेकिन बर्फबारी के चलते कार्य है वह भी ठप पड़ चुके हैं। इसके अलावा जो पैदल मार्ग की स्थिति हम बताएंगे आपको, जो गौरकुंड से केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग है, उसके भी जगह जगह बर्फबारी के चलते अब क्षतिग्रस्त होने लगा, तो ऐसे में उस रास्ते को भी दुरुस्त करना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गया है। इसके अलावा जो पैदल मार्ग में जगह जगह लिंचौली ऐसे स्थान है जहाँ पर टेंटों का निर्माण किया जाना, तो वहाँ पे भी व्यवस्थाएं बनाने में अब दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। ठीक है रोहित, आप रहे हमारे साथ ही। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं वही तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से वहां पर चारधाम यात्रा की जो तैयारियां चल रही हैं वो प्रभावित भी हो रही है। मौसम लगातार बदल रहा है, बर्फबारी हो रही है, ग्लेशियर पैदल मार्ग पर गिर रहे हैं, और आखिरी वक्त में देखें क्योंकि 25 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, और आखिरी वक्त में इस तरीके से अगर बर्फबारी का दौर चलता रहेगा तो तैयारियां प्रभावित होंगी, जो कि दो तस्वीरें बता रही हैं। केदारपुरी में बर्फबारी का दौर लगातार जारी, जो पैदल रूट है वहां पर भी लगातार बर्फबारी हो रही है, और रोहित मेरे साथ ही लगातार बने हुए। रोहित, देखिए आखिरी वक्त में इस तरीके से अगर बर्फबारी होगी तो चुनौती और बड़ी हो जाएगी प्रशासन के सामने। ये सबसे बड़ी बात है कि 25 इस बार जो कैनाथ के कपाट खुल रहे हैं वह 25 अप्रैल खुल रहे हैं, इस बार पहले ही कपाट खुल रहे हैं, 2 सप्ताह पहले ही कपाट खुल रहे हैं, क्योंकि पिछले साल की हम बात करेंगे तो 9 मई को भगवान कैदारनाथ कपाट खुले थे। इस बीच जो 2 सप्ताह का समय था उस समय बर्फबारी भी कम हो रही थी, जिस कारण जो कार्य थे वह पूरे किए चुके थे, लेकिन इस बार जो कपाट खुल रहे हैं उनकी डेट जो है 24 मई की है, जबकि जो डोली है 21 अप्रैल को ही अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकार से मंदिर से रवाना होंगे, जिसके बाद 25 अप्रैल को डोली पहुंच जाएगी और सुबह के समय भगवान कैदारनाथ कपाट खोल दिए जाएंगे। पर लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि बर्फबारी लगातार हो रही, पहले जनवरी फरवरी माह में बर्फबारी नहीं हुई, बर्फबारी देखने को नहीं मिली थी, बेमौसम के चलते इस बार का भी कुछ देखने को मिला है, तो ऐसे में आप बर्फबारी होना कहने के प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हैं वहाँ पूरे किए जाने। इसके अलावा पैदल मार्ग सबसे बड़ी समस्या यह होती है, जब यात्री शुरुआत में यहाँ पहुंचते तो बड़े बड़े ग्लेशियर से उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर ग्लेशियर कभी कभार यहाँ तीर्थयात्री ऊपर गिर जाते हैं, उनको मौत का सामना करना पड़ता है। ऐसी घटनाएं पिछले 2019 बिल्कुल जो पुनर्निर्माण कार्य है वो तो प्रभावित होंगे, और जो व्यवस्थाएं करनी है चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए वो व्यवस्थाएं भी इस बदलते मौसम की वजह से प्रभावित हो रही हैं। शुक्रिया रोहित पूरी जानकारी के लिए, आप लगातार नजर बनाए रखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।